إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا حضرات علماء الكرام محترم بزرگوں नौजवान भाइयों प्यारे बच्चों खवातीन इस्लाम इस्लाम में दो चीजों को बहुत ही अहमियत हासिल है। एक है एहतराम इंसानियत और दूसरे अदल। दो चीज बल्कि अगर बारीकी से देखा जाए तो ये एहतराम इंसानियत भी अदल के अंदर दाखिल हो जाता है। इंसानियत का कितना एहतराम है इस्लाम में, आइए एक हदीस देख लेते हैं। हदीस पढ़ते हद्दसना आदम हद्दसना शुअबत हद्दसना अमर बिन मुर्रत कॉल समेतु عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسيه فمروا عليهما بجنازه فقاما فقيل لهما انها من اهل الارض اي من اهل الذمه فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه بجنازه فقام فقيل له انها جنازه يهودي فقال اليست نفسا رواه البخاري في كتاب الجنائز। पूरी सनद के साथ यह हदीस पढ़ दी गई है। हजरत सहल इब्न हुनैफ एक सहाबी हैं और कैस इब्न साद ये दोनों कादिसिया में बैठे हुए थे। ये ईरान का एक एरिया है, जंग के लिए गए थे तो वहां ये दोनों बैठे हुए थे। कौन? सहल इब्न हुनैफ और कैस इब्न साद कायदैन बिल कादिसिया, कादिसिया के मकाम पर दोनों बैठे हुए। उधर से एक जनाजा गुजरा, फमरू अलैहिम बिजनाजतिन, उधर से एक जनाजा गुजरा, फकामा, ये दोनों खड़े हो गए। अब जब ये दोनों खड़े हो गए तो कुछ लोगों ने बताया इन्हा मिन अहलिल अर्ज, ये तो गैर मुस्लिम है, ये तो मुसलमान नहीं है, ये तो यही का है, इन्ना मिन अहलिल अर्ज, ये जमीन का है, मुसलमान नहीं है। इन्ना मिन अहलिल अर्ज अय मिन अहलिल जिम्मा, ये इधर का नहीं है, गैर मुस्लिम है ये, और आप उसके लिए खड़े हो गए, इतने बड़े सहाबी। तो उन्होंने एक हदीस बयान की। देखो एक बात तो ये मालूम हुई कि सहाबी जो भी अमल करता था दलील की रोशनी में करता। अब एक जनादा गुजरा, अब ये दोनों खड़े हो गए,
कहा गया कि तो गैर मुस्लिम का जनाजा है, तो मुसलमान नहीं है, आप क्यों खड़े हो गए? अब ये खड़े होने की दलील दे रहे हैं, क्या पता चला? हम लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कर लिया जाए तो क्या हारज है, वैसा कर लिया जाए तो क्या हारज है, यहां तो वो खड़े हो गए तो उसकी दलील दे रहे हैं कि हम खड़े क्यों हुए, ये जाने बगैर कि ये मुस्लिम का जनाजा है कि गैर मुस्लिम का जनाजा है। बिला इम्तियाज मजहब हम लोग खड़े हो गए, ऐसा क्यों किया, दलील दे रहे हैं। फकाला दोनों ने कहा कि इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रत पे ही जनाजतुन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और आपके पास से एक जनाजा गुजरा, फकामा आप खड़े हो गए, तो जैसा आपने किया था वैसा तो हम लोगों ने किया है। दलील देखो, खड़े हुए तो खड़े होने की दलील, ये जाने बगैर कि किसका जनाजा है खड़े हो गए, कहा गया कि ये तो मुसलमान नहीं है, आप कैसे खड़े हुए, तो दलील दे रहे हो कि हम क्यों खड़े। ये हदीस मसलके अहले हदीस को बयान करती है और ये बयान करती है कि आदमी जो भी कदम रखे उसकी दलील उसके पास होनी चाहिए। बिल्कुल दलील कोई काम, खड़े हो तो भी दलील दे, बैठे तब भी उसकी दलील पेश करे, खड़े हो गए तो दलील दे, खड़े क्यों हुए। तकरीर खत्म हो गई, ये है मसलक, और खास तौर से अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो मुसलमान, कहा कि हम इस वजह से खड़े हुए, कामा खड़े हुए इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामा खड़े हुए, इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रत बेही जनाजतुन फकामा, एक जनाजा गुजरा और आपको मालूम नहीं था कि यह जनाजा किसका है, आप खड़े हो गए, फकील लहू आपसे कहा गया इन्नहा जनाजतु यहूदीन, ये इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी का जनाजा है, ना जनाजतु यहूदीन, ये एक यहूदी का जनाजा है। और आपको मालूम है तो कुरान हकीम में बताया गया सबसे बड़े दुश्मन कौन, मुसलमानों के अशद अन्नास अदावतन लिल्लजीन आमनू यहूद, इसकी भी दलील हमने दी कि सबसे बड़े दुश्मन कौन, यहूदी। और सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं, हमको बार बार याद दिलाया जाता है कि सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे वही है, कौन, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब, मग़ज़ूब को पहले लाया गया, और इब्न हिब्बान की रिवायत है कि अल मग़ज़ूब अलैहिम अल यहूद व ज़ालून अन्नसारा, कि मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद यहूद हैं, तो सबसे पहले इन्हीं का जिक्र किया गया कि ये सबसे बड़े बदमाश है, ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन। और जब इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन का जनाजा गुजरा तो हमारा नबी खड़ा हो गया, आपसे कहा गया अरे अल्लाह के रसूल ये तो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन का जनाजा है, ये यहूदी का जनाजा है, आपने एक बात कही अलैसत नफ्सन, क्या ये इंसान नहीं है। अल्लाह, अब एहतराम इंसानियत पर कोई और दलील चाहिए, कहा अलैसत नफ्सन, आपने ये नहीं देखा कि ये किस मजहब का है, बताया गया कि ये यहूदी है, तो आपने जवाबन ये इरशाद फरमाया अलैसत नफ्सन, क्या ये इंसान नहीं है। सबसे बड़े दुश्मन के जनाजे के लिए आप खड़े हो गए, कहा गया तो आपने फरमाया क्या ये इंसान नहीं है, ये है एहतराम इंसान। और गैर मुस्लिमों का एहतराम, आइए वो हदीस पढ़ लेते, कल मैंने एहतराम इंसानियत पर गैर मुस्लिम भाइयों के दरमियान जो गुफ्तगू की थी उसके अंदर ये हदीस मैंने बयान की। आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ गए, जब देखा कि मक्का की जमीन जो है दावत तबलीग के लिए बंजर हो गई है, तो आप बाहर निकल करके देखते शायद कुछ लोग इस दावत पर लब्बैक हैं, तो आप ताइफ चले गए। अब जब टायर से वापस लौटे तो मक्का वालों ने कहा घुसना नहीं मक्का में, मना गर्दन काट देंगे, इधर आना नहीं मक्का में, किनको, नबी को, क्या दुश्मनी होती है अल्लाह, ये जानते हुए भी कि यमीन है ये सादिक, इसके बावजूद मक्का में घुसना नहीं, ज़हनियत देख रहे हैं आप, कभी कभी
फसाद ज़हन का एक ऐसा मरहला भी आता है जिंदगी में कि अगर इंसान मुर्दों को बोलता हुआ देख ले या आसमान से फरिश्ते उतरना देख ले तब भी आदमी माने। इन बच्चों को हटाओ यहां से, इन बच्चों को हटाओ यहां से, क्या कर रहे हैं, पकड़ करके उनको उठाओ, चलो चलो तुम लोग यहां से। तो अगर फरिश्तों को उतरता हुआ देख ले आदमी या मुर्दे उससे बात करने लगे तो फसाद ज़हन का एक ऐसा मरहला आता है कि आदमी हक को कबूल नहीं करता। वलो अन्नना नज़लना इलैहिमुल मलाइकत वकल्लमा हुमुल मौता, मुर्दे बोलने लगे इसी तरीके से फरिश्ते उतरने लगे और आदमी अपनी आंखों से देख ले तब भी हक को कबूल नहीं करता। मेरी समझ में अब तक की बात नहीं आई कि पूरी दुनिया बोलती है कि इस्लाम जैसा शानदार मजहब और अमन वाला मजहब कहीं नहीं है, फिर क्यों कबूल नहीं करते भाई, फिर क्यों नहीं मानते। और उल्टा है कि भाई चलो नहीं मानते नहीं मानते, उसके ऊपर तरह तरह के आरोप, तरह तरह के इल्जाम, ये दहशतगर्दी है, फलां है, फलां वगैरह वगैरह। तो साथ ही ज़हन का ऐसा मरहला होता है, तो कुरान हकीम ने बता दिया उस मरहले पर आदमी पहुंच जाए तो फिर वो अंधा हो जाता, अंधभक्त हो जाता। क्या हो जाता? वो अंधभक्त हो जाता। आना नहीं मक्का, घुसना नहीं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी सामने ही देखना है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें लिखा है कि सामने देखिए, तो सामने देख रहा हूं। तो मक्का में घुसना नहीं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के एक ऐसे ताकतवर आदमी जिसके बेटे बहुत थे, 10-12 बेटे थे, 10-12 बेटे थे, कहा कि मेरी मदद कीजिए, देखिए मेरे खानदान वाले मुझे आने नहीं दे रहे, मक्का वाले मुझे मक्का में घुसने नहीं दे रहे, आप मेरी मदद कीजिए। ये कौन है? मुतीम इब्ने अदी है, मुतीम इब्ने अदी, गैर मुस्लिम है, काफिर है। बेटों को भेजा था तलवारें लेकर के जाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलवारों के साए में लाओ यहां, और कहा कोई जाए मोहम्मद की तरफ आंख उठाकर देखो उसकी आंख निकाल लूंगा। कौन है? गैर मुस्लिम है, मुतीम इब्ने अदी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इतना एहतराम किया। चलो वो हदीस पढ़ लेते हैं, हदीस हदीस इस तरह वान मोहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतीम, देखो पोता रिवायत कर रहा है, वान अल्लाह ताला ने उनके बेटे को भी इस्लाम की तौफीक इनायत फरमाई और पोते को भी, मोहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतीम अन अबी की عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له. رواه البخاري في كتاب الجنائز. اصل میں جب بدر کی لڑائی ہوئی تو اس میں 70 لوگ گرفتار ہو کر کے 70 लोग, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आज मुतीम इब्न अदी जिंदा होता और इन गंदे लोगों के बारे में मुझसे बोलता, नतिन की जमा नतन, नतेनुन, तलबा बैठे हुए हैं सिफत मुशब्बा है, नतना नतिन की जमा, इन गंदे लोगों के बारे में अगर वो मुझसे बोलते कि इनको छोड़ दो तो लाख तुम लोग, मैं उस अपने गैर मुस्लिम भाई के एक जबान पर सुमा कल्लमनी फी हाउला नतना एक बात बोल देता 70 के 70 को छोड़ देता। अल्लाह, देखो गैर मुस्लिम का एहतराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक। तो हमारे यहां इंसानियत का एहतराम यह है कि हमारा नबी एक यहूदी के जनाजे पर खड़ा हो जाता है और यह कहता है कि अगर मेरा गैर मुस्लिम भाई जिसने मेरी मदद की थी अगर वो आज एक लफ्ज बोलता इन कैदियों के बारे में तो सब कुछ छोड़ देता, ला तलक तुम लहू उसके लिए मैं छोड़ देता, ये नहीं ला तलक तुम, ला तलक तुम लहू उसके लिए मैं छोड़ देता। बात को समझ में आ रही है? समझो। तो मैंने ये कहा कि एक तो एहतराम इंसानियत बहुत ही अहम है और दूसरे ये कि अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो ये अदल में दाखिल हो जाता है, अदल। तो जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है जरा देखिए, ऐ ईमान वालों तुम लोग अदल इंसाफ करने वाले बनो चाहे वो तुम्हारे खिलाफ जाता हो, भले वाला अनफी से तुम्हारे खानदान को तो छोड़ो अगर तुम्हारे खिलाफ भी जाता हो तो अदल करो।
और एक कायदा याद रखो, दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला हो सकता है कि किसी गुनाह की सजा ना दे, लेकिन उसकी एक सुन्नत है, जालिम को बर्दाश्त नहीं करता, जी ढील देता है मगर छोड़ता नहीं, जालिम को ढील तो देता है मगर छोड़ता नहीं। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, ये जहां भी बात आती है कि भाई अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली नहीं है, उसके बैकग्राउंड में आप देखिए तो कहीं जुल्म का तज़किरा जरूर होगा, यानी जालिम को छोड़ना ये अल्लाह तबारक व ताला की सुन्नत में से नहीं है, जालिम को छोड़ता नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह का वाकया मैंने पढ़ा सीरत इमाम अहमद बिन हंबल में, मेरा दिल धड़कने लगा और कई दिनों तक मुझे इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह याद आते रहे। आपको मालूम है कि खल्क़े कुरान का मसला हुआ, फलसफियों ने यह बहस शुरू की कि कुरान मखलूक है या गैर मखलूक, एक बेहुदा बहस। अब इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए, कहा कि कुरान अगर मखलूक है तो इस पर दलील लाओ, और यहां देखो इमाम अहमद भी वे कह रहे आतूनी शैयम मिन किताबिल्लाह व सुन्नत रसूलिह हत्ता अकूल, अभी ये जो बात तुम कह रहे हो इस पर कुरान और सुन्नत की दलील लाओ। इसका मतलब यह है कि हम बराबर नबी के जमाने से लेकर अब तक जो भी बात हो हर एक पर हम दलील मांगते रहे हैं कुरान और सुन्नत, आतूनी शैयम मिन किताबिल्लाह व सुन्नत रसूलिह हत्ता अकूल, अभी कुरान और सुन्नत की दलील लाओ। अब कुरान और सुन्नत की दलील नहीं है, जुल्म पर उतर आए, बास बास कोड़े ऐसे मारे गए कि अगर हाथी को मार दिया जाए तो हाथी चिंगार पड़ता, मालूम है इमाम अहले सुन्नत हजरत इमाम अहमद हम्बल को कैसी सजा दी। मामून रशीद आजम बहुत जबरदस्त बादशाह गुजरा है हमारी तारीख का, कैसे कुस्तुंतुनिया को डॉग ऑफ रोमा बोलता था, एक कलबर रूम है रूम के कुत्ते, सब बाजबरूद बादशाह गुजरा है, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी पूरी दुनिया में, इतना बाजबरूद बादशाह गुजरा है। चुप चुप, ये धाक थी उसकी मामून रशीद आजम, कैसे कुस्तुंतुनिया को एक या कलबर रूम है रूम के कुत्ते और डॉग ऑफ रोमा, देखो ये हमारी तारीख रही है और हम कहां से कहां पहुंच गए अपनी बुजदिली की वजह से। तूस में है, तूस में कहा मैं इस वक्त तूस में हूं, अब मैं बिल्कुल भी इमाम अहमद बिन हंबल को बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं, उसको पापा जोला उसको गिरफ्तार करके हाथ में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल करके घसीटते हुए तूस तक लाओ। लो इमाम है कमजोर है और पूरी ममलकत के सामने तन्हा खड़ा हुआ है किताब सुन्नत के मुकाबले, हम लोग तो उनकी खाके पाप ही नहीं, पूरी ममलकत के सामने खड़ा हुआ है तन्हा एक इमाम। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, क्यों नहीं मानता, इसलिए कि तेरे इस मौकिफ के ऊपर किताब सुन्नत की दलील नहीं है, किताब सुन्नत की दलील ला मैं मानने के लिए तैयार हूं, आतूनी शैयम मिन किताबिल्लाह व सुन्नत रसूलिह हत्ता अकूल। अब जब यह पता चला इनको कि मुझे तूस घसीटते हुए ले जाया जाएगा, हाथ में जंजीर और पांव में बेड़ी डाल गए, रो पड़े, हाथ उठाए उन्होंने, खामोशी से सुनो तो कुछ समझ में आए, खामोश रहो बिल्कुल खामोशी के साथ सुनो, रो पड़े, का सैयदी ए मेरे आका, ये दो है। एक नुकता यह भी मालूम हुआ, आदमी के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो सिर्फ एक ही चीज उसके लिए काफी है, क्या दुआ, दुआ इरफा यदी गई लसमा फफुका रब्बुन, हाथ आसमान की तरफ उठा ले मसला हल हो जाए, सिर्फ एक ही काम है बस, और कुछ अभी करना नहीं, आसमान की तरफ मसला हल करता हूं। इन्होंने हाथ उठाए, अल्लाह मेरे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, अभी देखो यहां मैं पीटा गया, यहां जेल में हूं, अब ये तूस मुझे बुला रहा है, रास्ते की तकलीफें हैं, हाथ में हथकड़ियां पांव में बेड़ियां हैं, नमाज के लिए तकलीफ है, चलने में तकलीफ है, सैयदी ए मेरे आका गर हिल्म का हाद अल फाजिर लकद तजर्रा अला औलियाई, ए मेरे रब तेरे हिल्म ने तेरी बुर्दबारी ने इसको जरी बना दिया है, इसको धोखे में डाल दिया है। ये नुकता मालूम हुआ कि आदमी जुल्म क्यों करता है, एक जुल्म किया कुछ नहीं हो रहा है, दूसरा जुल्म कर रहा है कुछ नहीं हो रहा है,
तो आदमी ये ना समझे कोई आंख नहीं देख रही है इसके जुल्म को। याद रखो ये अल्लाह का हिल्म है जो उसको ढील दे रहा है। हिल्म गुरुद्वार है वो, कर ले क्या करना है तेरे, कर ले। या सय्यदी ऐ मेरे आका, गर्रा हिल्म का हादल फाजिर, इस फाजिर बादशाह को तेरे हिल्म ने मगरूर बना दिया है। ए, दुआ जब ये मेरे सामने आती है हजरत इमाम अहमद, मेरा दिल धड़कने लगता है। तेरे हिल्म ने, तेरी पुरतबारी ने कि तू जल्दी पकड़ता नहीं, इसने इस फाजिर को मगरूर बना दिया है कि कत तजर्रा ना उलियाए, तेरे दोस्तों के ऊपर इसने जुरात की, तेरे मानने वालों के ऊपर इसने जुरात की है। दुआ देख रहे हैं, दिल को धड़का देने वाली दुआ है। सय्यदी गर्रा हिल्म का हाथ अल्फाजिर, तेरे हिल्म ने, तेरी बुर्दबारी ने कि तू जल्दी पकड़ता नहीं ना, इस तेरे हिल्म ने इसको मगरूर बना दिया, इसे निमट ले। रास्ते ही में खबर मिली, चल पड़े थे पुलिस लेकर के इनको, रास्ते में पता चला मर चुका है वो। कौन? मामून रशीद यादव। देख रहे हैं, मर गया, मर गया मरदूत। मरदूत मर गया, बीच ही में मर गया। अल्लाह ताला ने फौरन सुन, इसलिए के जब दुआ के लिए हाथ उठते हैं किसी मजलूम के, शायर ने कहा है कि बतरस अज आहे मजलूमा के हंगामे दुआ करदन, इजाबत अज दरे हक बहरे इस्तकबाल में आए। किसी मजलूम का हाथ दुआ के लिए उठता है, जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला की कबूलियत, उसकी दुआ की कबूलियत उसकी इस्तकबाल के लिए आती है। आजा मैं तेरी दुआ कबूल करता हूँ। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा हथियार ये है कि हम किसी भी बात पर, किसी भी परेशानी पर अपने हाथ आसमान की तरफ उठा ले, हमारा सुनने वाला मौजूद है, हमें घबराने की क्या जरूरत है, हमें परेशान होने की क्या जरूरत है। और इतना प्यारा है, एक नुक्ता बताता हूँ, अल्लाह का एक नाम सित्तीर है, सत्तार नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं, अल्लाह सत्तार है, गफ्फार है। नहीं, गफ्फार तो है, सत्तार नहीं है, सत्तार उसकी सिफत नहीं है, सत्तार अल्लाह की सिफत नहीं है। लिहाजा ये ना कहा जाए अल्लाह सत्तार है, नहीं नहीं, अल्लाह की सिफत नहीं हो, सित्तीर है, बुखारी की रिवायत। तो अल्लाह की सिफत सत्तार नहीं है, लिहाजा ये ना कहा जाए कि अल्लाह सत्तार है, इसलिए कोई सिफत ही नहीं उसकी। फिर क्या है वो? सित्तीर है, सित्तीर गुनाहों पर पर्दा डाल देता रहे, किसी जुल्म के ऊपर पर्दा डालता रहता है। सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा, सित्तीर जानते हो। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, सित्तीर का मतलब होता है गुनाहों पर पर्दा डालने वाले। आप लोग कितनी मोहब्बत के साथ मुझे सुन रहे हैं, और जहाँ भी जाता हूँ बड़े प्यार से सुनते, बहुत मोहब्बत के साथ सुनते हैं जी, बहुत मोहब्बत के साथ सुनते हैं। लेकिन अगर मेरे वयूब आपको मालूम हो जाए तो मेरी बात सुनना तो दरकिनार, मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करेंगे। अल्लाह ने मेरे वयूब को ढाक रखा है। और इसी तरह एक बेटे को अगर बाप के वयूब मुंकशिफ हो जाए, मालूम हो जाए, तो बेटा बाप का चेहरा देखना पसंद नहीं करेगा। एक माँ की, एक बीवी की कारस्तानिया जिसे अल्लाह ने ढांक रखा है, अगर शौहर के ऊपर खुल जाए तो शौहर लात मार करके बीवी को भगा दे। और इसी तरह शौहर के वयूब जिसको अल्लाह ने ढांक रखा है, अगर बीवी के ऊपर खुल जाए तो बीवी शौहर का मुंह देखना पसंद नहीं करेगी। चलो अल्लाह से मोहब्बत कर लेते हैं, इसी सिफत कर अल्लाह से तीर मोहब्बत कर लेते हैं। कितने वजूब हैं जो उसने हमारे ढाक रखे। अगर वजूब, अगर वो गुनाह, वो खताएं अगर लोगों के ऊपर खोल दे तो लोग एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि अल्लाह कितना सित्तीर है, अल्लाह ने हमारे गुनाह ऐसा ढांक रखा है। बताओ आपके गुनाह अगर आपकी बीवी को मालूम हो जाए, आपके बेटे को मालूम हो जाए, बेटा आपका मुंह देखना पसंद करेगा, बीवी आपके साथ रहना पसंद करेगी? पता नहीं। तो अल्लाह हमारे गुनाहों के ऊपर पर्दा डालता रहता है, हमारे जुल्म को इग्नोर करता रहता है, तो उसका हिल्म, उसकी बुर्दबारी ढांकती रहती है हमारे गुनाहों। तो अल्लाह तबारक व तआला की इन दो सिफतों को याद रखो, सित्तीर है। और जानते हैं गुनाहों के ऊपर पर्दा क्यों डालता है? एक सिफत के हवाले से, यह सिफत एक सिफत के हवाले से, वो सित्तीर है,
गुनाहों पर पर्दा डालता रहता। क्यों? इसलिए कि वह हलीम है। उसकी सिफत हलीमियत इस बात का तकाजा करती है कि बंदों के गुनाहों पर पर्दा डालता रहे। कितने लोग यहां बैठे हुए, हम उनसे बड़ी मोहब्बत के साथ मिलते हैं, बड़े प्यार के साथ मिलते हैं, अगर उनकी खताएं, उनके गुनाह हमारे ऊपर मुनकशिफ हो जाएं, तो हम उनका हाथ मिलाना तो दरकिनार, उनसे उनका चेहरा देखना पसंद न करें कि कितने गए गुजरे हैं ये, ऐसे ऐसे गुनाहों में मुलव्वस है। तो अल्लाह की सिफत सितीर की वजह से एक दूसरे की इज्जत हो रही है, मालूम है आपको, और अल्लाह की सिफत हिल्म की वजह से आदमी बच रहा है, ना बचने का सवाल पैदा नहीं हुआ। आदमी तदबीर करता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तदबीर कारगर नहीं होती, मक्कारी कुछ ऐसी होती। एक नुक्ता बताऊं, अब गौर से सुनो तो बताऊं ना, आप लोग इन बातों को कोई मामूली नॉर्मल बातें समझ रहे हैं आप, बहुत गौर से सुनिए आप लोग, एक बात अगर समझ में आ गई तो पचासों बातें आपकी समझ में आए। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी तदबीर करता है, हैं? लेकिन अल्लाह तबारक व ताला जालिम को ढील देता रहता है और आदमी की तदबीर काम नहीं करती। चलो एक श्लोक पढ़ लेते हैं अच्छा सा, हमारे कुछ दोस्त लोग भी हैं आईबी से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत गौर से सुनते हैं वो, बहुत चीज़ों को सामने रखते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। यदा संहरते चायम कूर्मांगानी व सर्वश इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। संस्कृत का स्कॉलर हूं, ऐसे पढ़ा नहीं जा सकता ऐसा, अगर ग्रामर आदमी को मालूम ना हो तो। जी क्या बताएगा? कूर्मा कहते हैं इस टॉर्टस कछुए को, कूर्मा संस्कृत में उसको बोलते हैं कूर्मा, वो कौरमा नहीं खाने वाला, कूर्मा। कूर्मा कहते हैं टॉर्टस को, कछुए को। बता रहे हैं कि कछुआ जो होता है जब चलता है, इसी श्लोक पे, गीता का श्लोक है ये, कछुआ जब चलता है धीरे धीरे चलता, कछुए की चाल मशहूर है, वो चलता है ऐसे, जब किसी डेंजर को सामने देखता है, खतरे को देखता है, वो जल्दी से मुंडी अंदर कर लेता है, जब चलता है तो मुंडी बाहर निकाले रहता है। मुंडी बड़ी कमजोर होती है लेकिन बदन बहुत मजबूत होता है, तो ये मुंडी बाहर निकाले रहता है जब चलता है। क्यों? इसलिए कि उसको देखना है ना, आंखें तो मुंडी में, सर में, तो अपने खोल से मुंडी को बाहर निकाल लेता है। कौन? जो टॉटस कछुआ, कूर्मा जिसको संस्कृत में बोलते हैं, या इस श्लोक में उसको कूर्मा कहा गया। ऐसे चल रहा है, चल रहा, इसलिए कि आंखें इधर है, वो देख रहा है रास्ते, चल रहा है। अब जैसे कोई डेंजर देखता है तो क्या करता है कि अपने इस कमजोर पार्ट को, जो बदन का सबसे कमजोर पार्ट है ये इसका सर, पट से अंदर कर लेता। अब चाहे बड़े से बड़ा जानवर आ जाए, इसको उल्टे पलटे या ऐसे ही रहता है, उसका कुछ बिगड़ता उगड़ता नहीं। डंडे से मारो उसकी पीठ के ऊपर, डंडा टूट जाएगा, मगर इस बंदे का कुछ नहीं होने वाला, इस कूर्मे का, कछुए का, अंदर कर लिया इसने, एक तदबीर की उसने, देखो बचने के लिए। तो ऐसे कूर्मा जा रहा था कछुआ, उधर से एक लोमड़ी आई जो कई टाइम से भूखी थी, बोले तो ये तो मेरी खुराक आ गई, लाओ मैं खा लेती हूं इसको। अब जैसे ही इस कछुए ने देखा कि मेरी ये दुश्मन लोमड़ी फॉक्स ये मुझे खाने के चक्कर में, फौरन डेंजर को देखते हुए उसने मुंडी अंदर कर। अब लोमड़ी आई, उसको उलट रही है, पलट रही है, ऐसे टेढ़ा हो जा रहा, सीधा हो जा रहा, पीठ के बल हो जा रहा, मुंडी के बल हो जा रहा, तो पलट रही, कहीं से खाने को नहीं मिल रहा, कहीं मुंह नहीं लगा सकती। तदबीर कर लिया इसने बचने, कौन? कछुए ने। अब ये लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है ना, बहुत सारे लोग ऐसे चालाक होते हैं कि तदबीर करो तो तदबीर बेकार हो जाती है उनकी चालाकी के सामने। कुरान हकीम ने बताया, क्या बताया? कि चालाकियां कुछ ऐसी होती है, वक़द मकरू मकरहुम अच्छा वहीन कान मकरहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल, बास तदाबीर बास मकर ऐसे होते कि पहाड़ अपनी जगह से टल जाए। कुरान भी कैसे गुफ्तगु करता है, ऐसे मकर हो तो पहाड़, एक पहाड़ नहीं कई पहाड़, जबल की जमा है वो, कई पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए, ऐसी तदबीर होती है। आदमी का
होशो हवास आदमी की अक्ल काम नहीं करती उस तदबीर के सामने। अब ये लोमड़ी ने वही तदबीर इख्तियार की, इसने क्या किया, वो कूर्मे को कछुए को सीधा किया और उसके बाद उसके मुंह के सामने पेशाब करना शुरू कर दिया लोमड़ी। अब कछुआ क्या समझा, बारिश हो रही है, मुंडी निकाल दे, पट से पकड़ लिया उसने, मार दिया, खत्म कर दिया। तो आगाड़ हो कि कहीं पेशाब को पानी ना समझ लो, वरना फंसने वाले हैं इस कूर्मे की तरह। ये श्लोक की दफा फिर से पढ़ता हूं, यदा संहरते चायम, संहरते माने समेट लेना, संहर माने समेट लेना, जब, यदा माने जब, तो यदा संहरते चायम कूर्मांग, ये कूर्मा का जो अंग है, अंगम अंगे अंगानी, एक अंग दो अंग कई अंग, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, एक फूल दो फूल कई फूल, शस्त्रम शस्त्रे शस्त्रानी, एक शस्त्र दूसरा शस्त्र तीसरा हथियार कई हथियार। तो अब ये अंगानी कूर्मांगनी यानी कूर्मे का या उसके टॉटस का जो बदन उसके अंग है, कूर्मांगनी सर्वशा फ्रॉम ऑल साइड्स फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, तमाम तरफ से उसने क्या किया, अपने बदन को समेट लेता है। कौन? कूर्मा। जब वो डेंजर को देखता है, यदा संहरते चायम, चा माने और, अयम माने ये, हाजा, यदा संहरते चायम कूर्मांगानि सर्वशः, तमाम तरफ से वो अपने अंगों को समेट लेता है, संहर कर लेता है। ऐसे ही आदमी को अगर कामयाब होना है तो महसूसात यानी गुनाहों से अपने आप को महफूज कर ले बोलते हैं, इंद्रियाणीन, ये जितने हवास हैं आपके, जो हवास आपको गलती में डालते हैं, जैसे आंख है, कान है, दिमाग है, इन समा वल बसरा वल फुआद कुल्लू लाइक कान और मसूला, ये सब हवास हैं, ये हवास आपके ऊपर गालिब आ जाते हैं अगर आपके पास उन पर गालिब रहने का कोई वही का जरिया ना हो। यदा संहरते चायम कूर्मांगानी ओ सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब जा करके उसकी अक्ल मजबूत होती है, उसकी जो प्रज्ञा होती है, उसकी सूझबूझ, उसका इद्राक, प्रज्ञा माने इद्राक, सूझबूझ अक्ल तब प्रतिष्ठित होती है। तो उस कछुए की तरह ना हो जाओ कि पेशाब को पानी समझो, पकड़ लिया जाओ, इसलिए कि मकर तुम्हारे खिलाफ ऐसे हो रहे हैं कि पहाड़ अपनी जगह से टल जाए। लिहाजा होशियार बाज, होशियार रहो जी। अदल की बात आई, ये जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन बिलक़िस्त, इस आयत करीमा की तफसीर में बताया गया कि अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, खैबर जब फतेह हुआ सन 7 हिजरी के अंदर, तो जो बागात मुसलमानों के कब्जे में आए, यहूदियों ही का, यहूदियों को बढ़ाई पर दे दिया गया, तो फसल फसल पर साहबी आते थे और जो कुछ फसल होती थी उसको कुछ पैचअप करके चले जाते थे मदीना। ये फसल हो गई थी खजूर, तो अब अब्दुल्लाह बिन रवाहा भेजे गए, बहुत जबरदस्त साहबी, बहुत प्यारे, अये ये लेकर के जाओ, ये वाकया है इस आयत करीमा की रोशनी, क्या ये लेकर के जाना है यहां से, दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह, और दिमाग की खिड़कियां खोलो अच्छी तरह, तो बिठाओ दिमाग में। तो अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रजी अल्लाह तआला को भेजा गया कि जाकर के देखो फसल कैसी तैयार हुई है, उसका तखमीना करो, अंदाजा लगाओ और उसी एतबार से डील करो। गए, अब यहूदी तो पक्के हराम खोर होते हैं, अब ये आकर के मिले अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा से, हजरत कुछ ले लीजिए, ऐसे दे दिया जाता है तो आदमी का जहन और दिमाग बदल जाता है, ये बहुत खतरनाक चीज है, ऐसे देने लगे, क्या क्या बोले, कुछ हमारे साथ रियायत फरमाइए, आप मदीना से आए हैं और जिम्मेदार हैं तो कुछ ले लीजिए, रिश्वत की पेशकश की, बिगड़ गए राज। और जो बात कही इतनी प्यारी कही, कहा कि मैं ऐसी जात की तरफ से तुम्हारे पास आया हूं कि मैं कायनात में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत उसी से करता हूं। क्या बोले, ये रिश्वत दे रहे हो तुम, मैं ऐसी जात, जुमला देखिए, सहाबे किराम को ऐसे इज्जत नहीं दी गई थी, इज्जत
और शोहरत, अरे इतने ममालिक दे करके गए हैं, हम यके बाद दीगरे हाथ से खोते जा रहे हैं, ये उन्हीं की देन है साहबा की, ये साहबा है। कहा रिश्वत दे रहे मुझे, चल। और कहा कि मैं उस जात की तरफ से आया हूं कि कायनात में मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत उसी से करता हूं। इससे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, आज हम अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, नहला रहे, धुला रहे, गाड़ी आ रही है, मोटरसाइकिल पे ला करके छोड़ रहे, माए लाइन में लगी हुई है, वहां से उठा रही है, ले क्या सब है, ये सब क्या है, सब कुछ सिखा रहे, इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, ये बना दो, वो बना दो, सब कुछ सिखाते, एक चीज नहीं सिखाते, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत। यही चीज तो नहीं है, आप पहले कुमिल्लाह व रसूल फतरबस होता है, तो कह दिया गया कि अगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ज्यादा, सबसे ज्यादा नहीं है, तो इंतजार करो अजाब का, तो इसी अजाब में मुब्तला हो तुम लोग, सारे लोग अजाब में मुब्तला है, यानी बरस कुछ और दवा कुछ और दे रहे हैं हमारे अतिबा, हमारे डॉक्टर, हमारे डॉक्टरों का भी हाल बहुत बुरा है, हमारे मौलवियों का, और मैं कभी मरज कुछ दवा कुछ दे रहे, मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा होनी चाहिए, वरना फतरबस हत्ता याती अल्लाह बि अम्री, इंतजार करो कि अल्लाह का अम्र, अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आ जाए, ये परेशानी, ये दवा है और ये बिगाड़ है, ये बिगाड़। कहा कि मैं उस जात की तरफ से आया हूं कि सबसे ज्यादा मोहब्बत में कायनात में सिर्फ उसी से करता हूं, और यह भी याद रखो कि सबसे ज्यादा नफरत में तुमसे करता हूं, इसलिए कि कुरान जिसके बारे में कहे कि ये सबसे बड़े दुश्मन है, नबी के पास आते नबी की तौहीन करते, क्या बोलते थे, अस्सलाम वालेकुम, लयम देर से नहीं, अपनी जबान को टेढ़ा करके क्या बोलते थे, अस्सलाम वालेकुम, हम लोग भी बोलते ना, कहने वाला समझ रहा है और ना सुनने वाला समझ रहा है। मैं कहता हूं कि अगर अस्सलाम वालेकुम का माना समझ में आ जाए तो दुश्मनी खत्म हो जाए पूरी की पूरी, ये दुआ है ये। और बाल लोग इतराज करते हैं ना कि कब्रिस्तान में जाते हो तो अस्सलाम वालेकुम कहते हो, ये क्या है, सुनते हैं मुर्दे, नहीं सुनते नहीं, अस्सलाम वालेकुम का मतलब है सलामती हो तुम्हारे ऊपर, हम दुआ भेज रहे हैं उनको, उनसे फायदा नहीं ले रहे, उनको फायदा पहुंचा रहे, तुम तो उल्टी बात कर रहे, तो उल्टी बात कर रहे, उनको फायदा पहुंचा रहे, सलामती हो तुम पर, अल्लाह इनको सलामत रख, ये हम बोल रहे ना कि उनसे हम मांग रहे, ये तो उल्टी बात कह रहे हो तुम, अजीब बात है। आए कुछ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम का मतलब होता मौत, तुम्हारी मौत, लो ये सलामती का है ना उल्टा, हम लोग क्या करते हैं, वालेकुम, किसी ने सही कहा है न, बोलने वाला समझता है सलामती हो तुम्हारे ऊपर, सलामती हो वो तुम्हारे ऊपर का मतलब ये कि अल्लाह तुम्हारे माल में सलामती करे, तुम्हारे बाल बच्चों में सलामती करे, और ये भी वादा करता है कहने वाला कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मुकम्मल सलामती है, मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अजीब बात है कि ये कहने के बाद अपने सामने वाले के बारे में ये कहता है, हाँ बेटा मिल देखता हूँ, ये कहने के बाद अस्सलाम वालेकुम, ये हाल है हमारा, और न कहने वाला समझता है और न सुनने वाला समझता है, दोनों अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि रुखसत हुई खुलूस की खुशबू जमीन से, रुखसत हुई खुलूस की खुशबू जमीन से, अब हम कहां मशीन मिले हैं मशीन से, एक मशीन बोलती है अस्सलाम वालेकुम, दूसरी मशीन बोलती है वालेकुम सलाम, ये भी कुछ नहीं समझा, वो भी कुछ नहीं समझा, अब हम कहां मशीन मिले हैं मशीन से। तो कहा कि सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं अल्लाह के रसूल से करता हूं उनकी तरफ से, और सबसे ज्यादा नफरत मैं तुमसे करता हूं, इसलिए कि तुम हमारे नबी को अस्सलाम वालेकुम बोलते हो, तुम्हारे ऊपर मौत हो, तो सबसे ज्यादा नफरत मैं तुमसे करता हूं, इसलिए कि तुम हमारे नबी को कहते हो कि तुम मर जाओ, लिहाजा सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं नबी से करता हूं और सबसे ज्यादा नफरत मैं तुमसे करता हूं। लेकिन इसके बावजूद कि मैं नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, नबी की यह मोहब्बत और तुमसे यह नफरत, मेरी नबी से इस कदर मोहब्बत और तुम्हारे तई मेरी दिली नफरत, इस बात पे मुझे आमादा नहीं करती कि मैं तुम्हारे साथ ना इंसाफी करूं। मैं नबी से मोहब्बत करता हूं और मैं तुमसे नफरत करता हूं, लेकिन ये मोहब्बत और नफरत मुझे इस बात पर आमादा नहीं करती मैं तुम्हारे साथ ना इंसाफी करूंगा तो इंसाफ करूंगा तुम्हारे साथ। ये है एहतराम इंसानियत, ये है अदल जिसकी तालीम इस्लाम देता है, कि बड़े बड़े दुश्मनों के बारे में यह
कि कितने भी तुम दुश्मन हो जाओ हमारे, हम तुम्हारे साथ जुल्म नहीं करेंगे। देखो रिश्वत भी नहीं ली उन्होंने, और ये कहा कि तुम्हारे साथ मैं नाइंसाफी नहीं करूंगा। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया। हदीस कुदसी है, आप लोग जानते हैं, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अलैया फला तज़ालम, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर लिया। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कौल पेश किया, बहुत प्यारा है, पेश कर देता हूं। इन्नल्लाह लयुकीम दौलतल आदिला व इन कानत काफिरा व इन्नल्लाह लयुकीम दौलतल जायरा व इन कानत मुस्लिमा। अल्लाह तबारक व ताला उस हुकूमत को बाकी रखता है जो इंसाफ करने वाली हो, अगरचे वो काफिर हुकूमत हो, गैर मुस्लिम हुकूमत। और अल्लाह ताला उस हुकूमत को कायम नहीं रखता जो इंसाफ ना करने वाली हो, अगर वो मुसलमान हुकूमत हो। आज सारी हुकूमतें परेशान है पूरी दुनिया में, जानते हो उसका वाही सबब यही है, क्या अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं है, सारी चीजें हैं लेकिन ये नहीं है। ये अगर है तो कामयाब हो, ये अगर नहीं है तो नाकामयाबी तुम्हारा मुकद्दर है, और लात जूते ऐसे पूरी दुनिया में खाते रहोगे, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं। तो हमारे पास तमाम परेशानियों का जवाब क्या है? अल्लाह से दुआ है। एक नुक्ता बताता हूं, पत्थर को देखा है पानी निकलते हुए? पत्थर से पानी नहीं निकलता, इसलिए कि पानी सयाल चीज है और पत्थर ठोस, ठोस से सयाल चीज नहीं निकलती। मैं तफसीर का तालिब इल्म बार बार गौर करता था कि समझ में नहीं आता कि मूसा अलैहि सलाम से बनी इसराइल के ये 12 कबीले, ये 12 चश्मे अलग अलग क्यों चाहते थे? एक चश्मे पर पानी क्यों नहीं पी लेते? जैसे ही प्यास लगती बोलते वैदिस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नज़रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरत आइना। प्यास लगती तो बोलते मूसा पानी चाहिए, मूसा अलैहि सलाम दुआ करते अल्लाह से कि अल्लाह इनको पानी चाहिए, अल्लाह फरमाता तो मारो पत्थर के ऊपर असा, वैसा मारा तो पत्थर से पानी निकल पड़ा, और ये पानी नहीं निकला 12 चश्मे निकल पड़े। हैं, क्या समझे इससे? आप लाठी मार करके पत्थर पर पानी निकाल सकते क्या? लाठी टूट जाएगी, पत्थर से पानी आप निकालेंगे लाठी मारकर? हैं, लाठी पत्थर पर मारे पानी निकल आएगा? नहीं निकलता, इसलिए कि लाठी कमजोर होती है और पत्थर मजबूत होता है। लेकिन अगर आप अल्लाह के हो जाएं तो ये लाठी पत्थर को तोड़ सकती है। ये नुक्ता है इसे, ये असा मारो पत्थर पर, पत्थर 12 चश्मे फोड़ निकाल दे, कैसे होता है? होता ही नहीं है। या क्या है? या ये है कि लाठी मारना तुम्हारा काम और लाठी से पत्थर को तोड़ करके 12 चश्मे निकालना, ये हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। जी फिरौन सामने सामने बहर कुलजुम है, बहर अहमर, इधर गए तो मौत, इधर गए तो मौत। अस्हाब मूसा परेशान, काला अस्हाब मूसा इन्ना लमुद्रकून, ए मूसा कहां ला करके तूने फंसा दिया है, हम पकड़ लिए गए। अस्हाब मूसा इन्ना लमुद्रकून, पकड़ लिए गए। कहा कि चुप, काला कल्ला इन मैया रब्बी सयहदी अल्लाह, हम लोग मायूस हो जा रहे, लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तकरीर सुनना नहीं रहता इनको, तकरीर टाइप करा दे, थोड़ी 10-15 मिनट के लिए चुपचाप नहीं बैठ सकते लोग, मुझे बड़ी कोफ्त होती है। तो सामने मौत और इधर भी मौत, और अस्हाबे मूसा कह रहे अरे हम तो पकड़ लिए गए। कल्ला, देखो एक नबी का ईमान, देखो सामने मौत है और इधर भी मौत है, कहते ना आगे कुआं पीछे खाई, मौत लाजमी, लेकिन ईमान देखो अल्लाह हरगिज नहीं, इन मैया रब्बी सयहदी, बेशक मेरा रब मेरे साथ है। एक नुक्ता बताऊं, यहां कहा मूसा ने मेरा रब मेरे साथ है, इन मैया रब्बी मेरा रब, और हमारे नबी ने गारे सौर में क्या कहा जब वो लोग ऊपर तक पहुंच गए, कदमों की चाप सुन ली और कहा
कि अल्लाह के रसूल अगर इन्होंने नीचे देख लिया तो हम पकड़ लिए गए। कौन बोला? हजरत अबू बकर बोले। तो नबी ने क्या फरमाया? ला तहजन इन अल्लाह माना, मई नहीं कर। मूसा कह रहे मई और नबी हमारा कह रहे माना, इसका मतलब है हजरत अबू बकर का ईमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान की तरह है। और ये लोग, ये बदमाश लोग, ये मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इनका यकीन ही नहीं था, लिहाजा नबी ने फरमाया इन मैया रबी से, मेरा रब मेरे साथ है, तुम्हारा ईमान नहीं इसके ऊपर। कुरान हकीम भी कैसी किताब है, क्या क्या निकात है, एक एक लफ्ज अजीब हो गरीब है। बात समझ में आई? हुआ क्या? कहा कि अपनी लाठी दरिया पर मारो। अच्छा, दरिया पर मार दो, पानी पर मार दो। पानी पानी फटता है क्या? पानी फटता है क्या? होता ही नहीं। पानी फटता उठता नहीं कि फट जाए, अलग हो जाए, इधर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे ही इन्होंने असा मारा, रास्ता बन गया। पानी इस तरफ खड़ा हो गया, कत्तौदी लजीम, इस तरफ भी कत्तौदी लजीम, बीच में रास्ता बन गया। लाठी मारने से दरिया में रास्ता बन जाता है क्या? कभी ऐसा होता है? अल्लाह ने फरमाया लाठी मारना तेरा काम, दरिया से रास्ता निकालना मेरा काम है। और दरिया से रास्ता निकला, और यही नहीं कि रास्ता दे दिया दरिया ने। जैसे उस पार गए और फिरौन का लश्कर इसके अंदर आया, पानी मिल गया। ये दुश्मन के साथ सुलूक किया गया और इनकी आंखें ठंडी हुई अपने दुश्मन को मरते हुए देख करके। लिहाजा हमारा काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये कि हम अपनी दुआ अल्लाह तक पहुंचाए, अपने हाथ अल्लाह की तरफ उठा ले। ये मेरा वक्त था 20 मिनट तक, वो हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।